भारतीय सेना ने दिया करारा जवाब। भारतीय सेना की बड़ी कार्रवाई, पीओके में आतंकी अड्डों को तबाह किया गया। सूत्रों के मुताबिक भारत की जवाबी कार्रवाई में 4 से 5 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। सीमा पार से घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे आतंकी, तंगधार में आतंकी अड्डों को सेना ने तबाह भी किया। जवाबी कार्रवाई में सेना ने तबाह किए आतंकी लॉन्चिंग पैड। पाकिस्तानी सेना आपको यह भी बता दें कि कवर फायरिंग देने में जुटी हुई थी। नीलम लिपा वैली के लॉन्चिंग पैड हिंदुस्तानी फौज ने तबाह किए हैं। सेना ने आर्टिलरी गन का इस्तेमाल किया। कुपवाड़ा में पाकिस्तान की ओर से अब भी फायरिंग हुई है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, पाकिस्तान ने जो गुस्ताखी दिखाने की कोशिश की, जिसके चलते 2 हिंदुस्तानी फौज के सैनिकों को दरअसल शहीद होना पड़ गया, एक नागरिक भी इसमें मारा गया। लेकिन जवाबी कार्रवाई ने भारत ने कड़ा जवाब दिया। पाकिस्तान के कई लॉन्चिंग पैड बर्बाद कर दिए हैं। इसके अलावा सूत्रों के हवाले से खबर यह भी आ रही है कि भारत की इस तगड़ी कार्रवाई में 4 से 5 सैनिक मारे भी गए हैं। पाकिस्तान की करतूत के लिए उसे मुंहतोड़ जवाब दिया है। गौरतलब है कि पिछले कुछ समय से जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के तंगमर्ग इलाके में पाकिस्तान आतंकियों की घुसपैठ के लिए लगातार सीज़फ़ायर का उल्लंघन कर रहा है। आज सुबह भी उसने सीज़फ़ायर का उल्लंघन कर भारतीय जवानों को नुकसान पहुँचाया, जिसमें 2 भारतीय जवान शहीद हो गए तथा एक नागरिक भी मारा गया। इसी बात का बदला लेने के लिए भारतीय सुरक्षा बलों ने पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में चल रहे आतंकी कैंपों पर हमला कर आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया। गौरतलब है कि इससे न केवल पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब भी दिया है और इसके अलावा पाकिस्तान को यह संदेश भी पहुंचाने की कोशिश की है कि यदि उसने भारत की तरफ आंख भी उठाई तो उसका उसे करारा जवाब दिया जाएगा। जम्मू से कैमरामैन पिंकल मेहरा के साथ अमित कुमार, R9 TV के लिए।